पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त हो जाता है। यह हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माने गए हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब जानते हैं श्राद्ध करने की विधि के बारे में। श्राद्ध करने की इससे आसान विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आइए जानते हैं इस संबंध में उपयोगी बातें। अश्विन कृष्ण पक्ष या श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में पूर्वजों की श्राद्ध तिथि के अनुसार पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में नीचे दी गई सरल विधि का पालन भी किया जा सकता है। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर व गंगा जल से पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध दही घी एवं खीर अर्पित करें। गाय कुत्ता कौवा व अतिथि के लिए भोजन से ग्रास निकाला जाता है। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए। इस दिन पूरी के साथ साथ कद्दू की सब्जी का विशेष महत्व है। चावल की खीर श्राद्ध में अवश्य ही बनाई जाती है और उड़द की दाल के भजिए इस दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका पूजा में यूज होता है। इनसे पितरों को भोग लगाया जाता है। गाय कुत्ते और कौओं के लिए ग्रास निकाला जाता है। तो इस तरह से पूड़ियों के ऊपर जो भी घर में बनता है सभी भजिए खीर वगैरह निकाले जाते हैं, और जो कौओं का ग्रास होता है उनको इस तरह से पूजा में रख लिया जाता है गिलकी के पत्तों के ऊपर, और उसी समय पूजा की जाती है। इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर जो हवन सामग्री है घी गुड़ वगैरह उसमें मिलाया जाता है, उससे भोग लगाया जाता है। और जो गाय और कुत्तों का ग्रास है उनको गाय और कुत्तों को खिला दिया जाता है, और जो पूजा में जो ग्रास रखा जाता है उनके छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उनको छत पर डाल दीजिए या ऐसी जगह पर डाल दीजिए जहाँ पर कौवे आते हों। कौओं को जब खाना मिलता है तो ऐसा माना जाता है कि वो भोजन हमारे पितरों के पास पहुँच जाता है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें एवं गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी उपलब्ध हो अन्न साग फल और जो भी संभव हो उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव ना हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट खाना खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि पुष्टि स्मरण शक्ति धारणा शक्ति पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह इस पर्व का पूर्ण फल भोगता है। श्राद्ध में हम कम से कम एक या अधिक पंडितों को खाना भी खिला सकते हैं। अगर आप खाना ना खिलाना चाहें तो आप इस तरह से सीधा भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्राद्ध में हमें सीधा किस तरह से दान करना चाहिए, सीधे में हमें क्या क्या निकालना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है आटा। हमको सामान इतना देना है कि किसी व्यक्ति का एक समय का भोजन बन जाए या उस व्यक्ति के पूरे परिवार का एक समय का भोजन अच्छे से बन जाए, और फिर तो जितना आपका सामर्थ्य हो। तो ये मैंने आटा लिया है, और आटे के साथ देखिए खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है नमक। तो नमक तो हमको देना ही है, आटे के साथ हो गया नमक। और दाल चावल सीधे में हमेशा मूँग की दाल दी जाती है, या आप चने की दाल भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने दाल ली है मूँग की, और ये लिए हैं चावल। अब खाने में पड़ेगा मसाला, तो उसके लिए आप क्या लेंगे? उसके लिए आप लेंगे हल्दी और मिर्ची।
खाना तेल में बने या घी में बने ये तो सामने वाले की चॉइस होती है, लेकिन सीधे में घी ज़रूर दिया जाता है। घी बिना सीधा कंप्लीट नहीं होता है, तो घी आप ज़रूर दें। इस तरह से किसी डिब्बी में आप घी दे सकते हैं कि गिरे ना। साथ ही साथ मैंने यहाँ ली है चाय पत्ती शक्कर। अगर कोई व्यक्ति चाय का शौकीन है या जिस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर या जिसकी श्राद्ध पर आप दान कर रहे हैं, अगर व्यक्ति चाय का शौकीन है या कॉफ़ी का शौकीन है, तो उससे संबंधित चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे चाय पत्ती है या कॉफ़ी है, और साथ में शक्कर तो लगेगी ही। आप चाहें तो दूध की थैली भी दे सकते हैं। अब ये हैं कुछ सब्ज़ियाँ, तो यहाँ मैंने लिए हैं आलू, टमाटर और मिर्च। तो जो भी सब्ज़ियाँ आप देना चाहें, फल देना चाहें, वो भी आप इसमें दान कर सकते हैं। और दक्षिणा बिना सीधा कंप्लीट नहीं होता है, तो जो भी दक्षिणा आप रखना चाहें, 11 रुपए से लेकर 51, 101, 21, जो भी आप दक्षिणा रखना चाहें, दक्षिणा इसमें अवश्य रखिए। बिना दक्षिणा के सीधा कंप्लीट नहीं होता है। आप एक मंदिर में देना चाहें तो एक मंदिर में, ज़्यादा देना चाहें तो आप ज़्यादा थालियाँ लगा लीजिए। मंदिर में पंडित जी होते हैं, वो हम संकल्प पढ़वा लेते हैं और सीधा अपने बर्तनों में या अपने किसी थैली में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से सीधा लेकर छोटी छोटी सी थैलियों में डाल लीजिए। जिप लॉक पॉलीथीन आती है मार्केट में, वो लेकर आप उनमें डाल लीजिए और मंदिर में आप इस तरह से एक थैली में रख के आ सकते हैं, पंडित जी को देकर आ सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था ना हो कि आप पंडित जी के हाथ में देकर आएँ, आप खुद ही संकल्प करना चाहते हैं, तो इस तरह से हाथ में गहराई बनाइए, उसमें डालिए आप थोड़ा सा जल, उसमें अक्षत और पुष्प डालिए, और उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए, और किस उपलक्ष्य में आप ये सीधा दान कर रहे हैं उस उपलक्ष्य के बारे में बोलिए, और कहिए कि इससे मुझे पुण्य फल की प्राप्ति हो और ये सीधा मैं जिनके नाम से दे रही हूँ उनको स्वीकार हो, उन तक पहुँचे, और भगवान की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहे, और वह जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से भी की जा सकती है, और अगर हम नहीं कर सकते तो साधारण तरीके से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर अपने तीर्थ त्यौहार और हिंदू धर्म से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।